अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे समनाबाद के अंदर। समनाबाद के बीच का एरिया है यहाँ पे, इस तरफ सेंटर मॉडल स्कूल है, इधर डूंगी ग्राउंड है, पीछे थोड़ा सा आगे जाएंगे डूंगी ग्राउंड है, यहाँ पे समनाबाद स्पोर्ट्स एरिना आ जाता है, थोड़ा सा आगे जाएंगे चौधरी कॉलोनी का गोल चक्कर आ जाएगा, बैक पे जाएंगे तो पूंछ रोड आ जाएगी। मैं आपको यहाँ की लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ पे मौजूद है कैफे रियाज, ये मेरी बैक में आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी अर्सा बाद में यहाँ पे आया हूँ, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया हूँ, काफ़ी अर्से से मैं इस पॉइंट को देख रहा था लेकिन कभी इतफाक नहीं हुआ इस पर इसको कवर करने का। इवन कि इसकी बैक साइड पे रौनक मेला मौजूद, रौनक मेले की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो इसकी मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ, फिर इसके पास चलते हैं, इनसे जाकर इनका मगज़ ट्राई करते हैं। बकौल बिलाल के इनके पास और भी चीज़ें होती हैं लेकिन इनका मगज़ बहुत स्पेशल होता है, वो ट्राई करेंगे। चलो पहले लोकेशन समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये जो रोड आ रहा है ना, सीधा आ रहा है पूंछ रोड वाली साइड से। पूंछ रोड पर जब आते हैं तो आगे एक कट सा बनता है वी, हसन मेमोरियल स्कूल के बाद, वहाँ से आप लेफ्ट होते हैं तो ये रोड आगे आती है। इसका एक और निशानी यह है कि ये सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है दीवार, ये सेंटर मॉडल स्कूल की दीवार है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये है रौनक मेला रेस्टोरेंट। रौनक मेले की लोकेशन मैं डाल दूंगा, अगर गूगल पे कैफे रियाज की लोकेशन मुझे मिल गई तो वो डाल दूंगा, नहीं तो मैं रौनक मेले की लोकेशन डाल दूंगा। वहाँ से आपने कैसे पहुँचना मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ब्लॉक नजर आ रहा है आपको, ये कॉर्नर के ऊपर ये रौनक मेला है, एक कॉर्नर पर इसके रौनक मेला है और इसी ब्लॉक के दूसरे कॉर्नर के ऊपर ये है कैफे रियाज, इनके पास चलते हैं। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज, ये आप ही चला रहे हैं शुरू से? कितना पुराना सेटअप है ये? 60-70 साल हो गए। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब ने चलाया या आपने? नहीं, हमारे उस्ताद होते थे। आपके उस्ताद होते थे यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं 60-70 साल से यहीं पे आप? ठीक हो, ठीक हो। मुझे ये बन रही हैं चांपे और गुजर कपूरे, ये कितने की प्लेट बनेगी? चांपों की प्लेट 1400 रुपए की होती है और गाह की मर्जी होती है, जितना मर्जी बनवा लें। गाह जितना मर्जी बनवा लें, कितने बजे खोलते हैं? बनाने आप? अच्छा, जितना दिल करता है। तो कितने बजे खोलते हैं आप ये? 6 बजे शुरू कर। और कब तक चलता रहता है? नहीं, 11 बजे बंद कर जाते। 10-11 बजे। और क्या क्या होता है आपके पास? चांप होती है, दिल, गुर्दा, कपूरा, मगज। मगज भी होता है? ठीक हो गया। तो अगर खाली मगज बनवाना हो तो उसकी प्लेट कितने की बनती है? वो प्लेट 14 अपना 1800 की होती है, आधी प्लेट जो होती है 900 की होती है। 900 एक हाफ प्लेट? एक मगज 450 का। अच्छा, और हाफ प्लेट कितने कितने बंदे खा लेते हैं? हाफ प्लेट दो भी खा लेते हैं। दो मगज आ गया ना उसके अंदर, चार प्लेट, चार मगज की एक प्लेट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये आ गया जी मगज, ठीक हो गया। ये प्याज आएगा इसके अंदर, ये टमाटर आ गए, ये पानी आ गया, अदरक आ गया, जा सा जा दिया की करो, ये आएंगे तीन मिर्चें कट के। तो जी हमारे सामने ना ये खाना आ गया, ये है मगज़ और ये है कीमा, ये बीफ का कीमा और ये मगज़ हमने स्पेशल बनवाया है इनसे। ये हाफ है, फुल में चार होते हैं, हाफ में दो डलते हैं, दो मगज़ हैं, एक बकरे का और दूसरा भी बकरे का। तो ये नान जो है ना, मसाला लगा के नान फ्राई किए हैं, इसको ट्राई करते हैं। पीछे जनाब इधर काम चल रहा है लाइव, तो बैठने की और कोई प्रॉपर जगह मुझे नज़र नहीं आई। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं खाने तो आप भी ये मॉल इन्जॉय करें और वीडियो के अंदर भी ये मॉल इन्जॉय करें। पीछे से ये आगे से ये चल रहा है, पीछे जनाब टक टक चल रही है, तो इसको भी ट्राई करते हैं मगज़ को। नान पिलपिला हो चुका हुआ है क्योंकि कमल वाला नान था, इसका यही खाया जाता है। तो ये मगज़ की पहली बाइट लेंगे यहाँ से। ये ओहो, ये चाचा जी का मगज़ है, मतलब ये चाचा जी के पास कैफे रियाज का बाबे का मगज़, तो बाबे का मगज़ इसमें लगे वाला बना। यार बहुत क्रीमी मगज़ है ये मगज़, ज़रा सा भी ओवर कुक हो जाए ना तो वो रबरी हो जाता है, चुई हो जाता है, कच्चा रहे तो स्मेल आती है, ना स्मेल है ना चुई है, और ऐसा नरम है ना बहुत वाला यार, मक्खन की तरह। थैंक यू यार। इसमें जो मगज़ में सबसे ज़्यादा मज़े जो चीज़ करा रही ना, वो टमाटर, कच्चा कच्चा टमाटर थोड़ा रखा हुआ अंकल ने वो, और साथ में जो मिर्ची है ना हरी मिर्ची, वो बहुत वाला है अवेलेबल है। और ये कीमा, कीमा मुझे देखने में बड़ा अपीलिंग लग रहा था, तो जितना अक्सर ऐसा होता है हम खाने को छोड़ जाते हैं घर से और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कुछ और चीज़ अपीलिंग ज़्यादा लगती है, और वो ज़्यादा मज़े की होती है क्योंकि पहले आप आँखों से खाते हैं
फिर आप स्मेल लेते हैं, उसकी अरोमा लेते हैं, फिर आप जुबान से खाते हैं, तो दो चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लगेगी, जो भी आपकी आंखों को अच्छी लगेगी वो आपको जुबान को भी अच्छी लगेगी, और जो आंखों को अच्छी नहीं लगेगी वो जुबान को भी अच्छी नहीं लगेगी। कि कीमा अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया, कीमे की बाइट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओह यार मगर कीमा बहुत ज़्यादा भाई, जो क्या याद कर रहे मैंने क्या रेसिपी दे दिया आज। शेर की आंखों से देखा करो खाने को, शेर की आंखों से उंदास बहुत आला भाई। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट, जो जी यहाँ से हम थोड़ा सा लेंगे मगज, मगज इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सलाद, ये ऐसे करके तो बहाएंगे थोड़ा सा, ऐसे रायते की नहरें, ये बिलाल के अनधुले हाथों का यकीन कर मगर तो लम्बा हर चीज़ का फ्लेवर है, मगर हवेली करनी आया। ये पॉइंट ना तकरीबन 60-70 साल पुराना पॉइंट है, और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं यहाँ के खाने वाले हैं वो यहीं से खाते हैं, कहीं और जाते ही नहीं है। अच्छा आप क्यों नहीं खा रहे सर? मुझे वो लोग बोलते हैं फिर लाल दिन में खुआ दिया करो, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत ही करते रहो, करे बात ही नहीं दिलाती कि तू कल्ला खा रहे ना और नहीं खा रहे होते वीडियो बना रहे होते ना क्या करें। हाँ भाई यही वजह, देख तो मैंने 100 रुपये का ही 10 रुपये तेरी पहली एंट्री 10 ही है होगी, 10 साल ही है इतना पता जी, जो टका टका हो जाए ना मेरा दिमाग नहीं जाए ना, वो थोड़ी देर में मेरा खराब हो गया पहले, थोड़ी देर पहले सही है भजन। ये मगज बहुत कमाल का है, मगज भी कमाल का है, कीमा भी कमाल का है, और सबसे मज़े की जो बात इसमें आ रही है जो कीमे के अंदर स्पेशल मुझे लगा वो ये जो हरी मिर्ची उन्होंने डाली है ना, हरी मिर्च है मोटी वाली, वो शिमला मिर्च जैसा उसका फ्लेवर आ रहा है, उसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है जैसा शिमला मिर्च का होता है, तो उस लिहाज से वो कीमा बहुत कमाल का है। और जो मगज़ है इनका, मगज़ के अंदर स्पेशल चीज़ जो मुझे लग रही है, एक तो मगज़ पका बहुत कमाल है, थोड़ा सा भी ओवर कुक नहीं है, थोड़ा सा भी अंडर कुक नहीं है, ये साथ साथ चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड मगज है, मकई यार मलाई की तरह नरम, मक्खन की तरह नरम है, और ऐसे मुंह में डालने और मुंह में ऐसे जाके घुल जाता है, इतना कमाल का मगज है ये। और जो कीमा है वो मिर्चों की वजह से बहुत मज़े का लग रहा है, तो ओवरऑल बहुत कमाल का पॉइंट है भाई, दिस इज़ ऑल्सो अ हिडन जेम, तो अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो यहाँ पर ट्राई कर ले इसको आके, मुझे बहुत से लोगों ने बहुत देर से कह रहे थे यहाँ पर आके इसको ट्राई करने का, मैं कर नहीं पा रहा था बिलाल के साथ, यहाँ पर आ गया उसको ट्राई करने। जैसे कि मैं आपको लोकेशन समझा दूँ, ये सामने है जी लक्ष्मी चौक, लक्ष्मी चौक से आप इधर आएंगे ये एबट रोड पे, तो आपके राइट साइड पे आपको आगे से यूटर्न लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके लेफ्ट पे आएगा निशाद कैफ़े, यहाँ पे हम इनके पास चलते हैं, काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, देखिए 50-60 साल पुराना है। अच्छा यहाँ पे तवा है, यहाँ पे सारा टकड़क बन रहा है, इस तरफ कढ़ाई बन रही है, और ये जो है तवे की बैक साइड पर यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है। क्या हाल है, ठीक ठाक है जी? ये चांपे लगी हुई है, मटन चांप है जी, ठीक हो गया, ठीक यार इसकी खुशबू बड़ी डिफरेंट है, मैंने आज तक जितनी भी जगहों से खाया है वो सब में जो है ना एक हमक सी आती है, एक महक सी आती है, जैसे क्या कहते हैं गोश्त की एक स्मेल सी आती है, यहाँ पे खुशबू ही डिफरेंट आ रही है भाई। जी ये आ गया इसके अंदर मक्खन, और मक्खन में ये बन रहा है। अच्छा मैं इन्होंने पहले 2 प्लेटें बना के साइड पर कर दी, वो 1 प्लेट हमारी मक्खन वाली, तो वो साइड पर अलग से बना रहे हैं उसको। ये क्या जी दही डालने लगे हैं? दही दही है, आपका नाम क्या है? मुजम्मिल भाई यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा जॉब करते हो, सही है। ये बगैर मक्खन वाला है ना? ये बगैर मक्खन। ये पूरी एक प्लेट है? ये 4 प्लेटें। ये 4 प्लेटें हैं। अच्छा ये कितने की बनी है 4 प्लेटें? 4 प्लेट सर बनी है 1400 की, एक प्लेट है 1400 की, एक प्लेट है। तो 1900 की कौन सी है? 1900 की वो ये आपके लिए, ये है जो अभी अंदर है 1900 वाली, ये प्लेट है ना सर, ये मिक्स वाला डाल के ये है 1900 वाली। तो 1400 और 1900 में क्या फर्क है? इसमें गुर्दे, चांपे, दिल, मगज सब चीजें मिक्स होती है। और जो 1400 वाली होती है उसमें क्या होता है? 1400 वाली में खाली चांपे होती है। खाली चांपे होती है, अच्छा सही है सही है। ये जो खाना डाल रहा है ये हमारा बन रहा है, ये आपका जो मक्खन डाल रहा है। जनाब दाड़ा खाना बड़ा स्पेशल बना रहे हो मैं। अच्छा जी की मफदा पा रहे हो पीछे से? हाँ जनाब, ये मक्खन पाया, अदरक पाया, टमाटर पाया, सब्ज मिर्चा पाई, कालिया मिर्चा पाई,
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਫਰਾਈ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾ ਦੋ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਦੋ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਐ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਐ ਵੀ ਸਮਝਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਹਾਂ ਐ ਜਨਾਬ ਮਿਰਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿਰਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ? ਯਾਰ ਆਪਕਾ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਹੀ ਹੋ। ਆਪਕਾ ਖਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਤਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋ ਨਾਮ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਬਸਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿੰਗਾ ਲਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਕਾਟਕ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਮੱਖਣ ਹੀ ਹੈ। 1900 ਰੁਪਏ ਕਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਔਰ 2900 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨਾਨ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਟਕਾਟਾ ਖਾਇਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਬ ਆਪ ਤਵੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਆਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੈਲ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤਵੇ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਸਮੈਲ ਹੋਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲਨੇ ਸੇ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ। ਇਸਕੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨ ਸੇ, ਨਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕਰਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੀਲਾ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕਸਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸਕੋ। ਇਸਕੋ ਸਿੰਪਲ ਟਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਟ ਲੈਂਗੇ ਇਸਕੀ। ਜੇ ਓਏ ਹੋਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਬਾਈਟ ਹੈ। ਯੈਸ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਇਸ ਮੈਂ ਜੋ ਫਲੇਵਰ ਕੋ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਜੋ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਕ ਔਰ ਜੋ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਵੋ ਫਲੇਵਰ ਕੋ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਮੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਮਿਦਾਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੋ ਓਵਰਆਲ ਫਲੇਵਰ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਵੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਜਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਚਲ ਖਾ ਲੇ ਯਾਰ, ਖਾ ਲੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲੈ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ, ਆਪ ਖਾ ਲੈ ਇਸਕੋ, ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਟ ਲੈਣੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ? ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਸੌਫਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਲਣੇ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਮਾਟਰੋਂ ਕਾ ਫਲੇਵਰ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੋਂ ਕਾ ਫਲੇਵਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਕਰ। ਇਹ ਚਾਬੇ ਹੈ ਸਾਥ ਮੈਂ, ਇਹ ਮਸਾਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਜੋ ਚਾਬੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਪੇ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਮੇਂ ਜੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸਕੋ ਚਬਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਸਿਸ ਆਏਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਗੁਰਦੇ ਮਗਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਲੈਂਡਡ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਤਾ ਕਿ ਟਕਾਟਕ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੈਫੇ ਨਿਸ਼ਾਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾ ਉਸਕਾ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸਕਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਾ ਟਕਾਟਕ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ, ਆਜ ਇਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਸੇ ਇਸਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲਦੈਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੋ ਵਾਲਦੈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਆਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਜੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਲੇਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਔਰ ਸਾਥ ਇਸਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਰਾਇਤਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਲਣ ਕਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲ ਲੈਤੇ ਹੈਂ ਬਸ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਨਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਭਾਈ ਖਾ ਲੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲ ਯਹਾਂ ਕੇ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਕਾਟਕ ਆਈ ਐਵਰ ਹੈਡ ਇਨ ਲਾਹੌਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ 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 ਟਫ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਕਭੀ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕਭੀ ਹਿਡਨ ਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕੋ ਖਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਭ ਕਾ ਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ।
इसलिए इतना ज़्यादा आदमी है, ये खाता था फिर रुक जाता था, हाथ साफ करता था, टिशू के बाद सब नहीं खाना, फिर से पता नहीं कुछ होता था, फिर नान शुरू कर देता था, ये चार दफ़ा टिशू भी खा गया गलती से, शायद नान ही है। ये है जी सामने घंटाघर और ये सड़क आ रही झंग बाज़ार की तरफ, ये सीधा झंग बाज़ार झंग को जाता है। तो इसी झंग बाज़ार में जैसे आप एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड में ये है जी फूड सेंटर पहलवान कढ़ाई गो झंग बाज़ार वाले, दिस इज़ द पॉइंट, इनके पास चलते हैं। ये माशाल्लाह के पास कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, सारा सिस्टम चल रहा है और ऊपर इन्होंने ना निशानी रख के ऊपर प्याज रखा हुआ, प्याज पता नहीं क्यों रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल चाल है? मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा, ये प्याज क्यों रख रहे हैं ऊपर आप इसे? पर्ची पहले गिली हुई कितने उड़ेगी वो? हाँ अच्छा, जिस तरह वो सूख गई है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। की ना है थोड़ा जानना कहते हैं, ठीक हो गया। तुम आन जानते नहीं लाई रखते? अच्छा ता ही कहते जाना जाना, ठीक हो गया। अच्छा यार यहाँ पे इनकी कढ़ाई शढ़ाई चल रही है, ये मेरे साथ सेटअप है, इनका गोश्त वहाँ पे बन रहा है, वहाँ से बन के यहाँ पे आया। अभी हम यहाँ पे कढ़ाई गोश्त ट्राई नहीं करने आए, हम यहाँ पे इनका मगज़ ट्राई करने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद असलम। असलम साहब जी, असलम साहब आपका क्या क्या होता है तवे पे? दिल, मगज़, गुर्दा, कपूरा और कीमा भी होता है जी, कीमा, चाँप, चाँप भी होती है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो किस तरह प्लेट इसकी किस तरह है? प्लेट 1200 रुपये। अच्छा कितने बंदे खा लेते हैं प्लेट? दो लोग। लो, दो लोगों के लिए? दो फैसलाबादियों के लिए, दो लोगों के लिए? दो लोगों के लिए। दो लोगों के लिए, ठीक सही हो गया। अच्छा ये गुर्दे बनाने लगे हैं आप? हाँ जी बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह करें सर जी। ये अंकल जो है हमारे लिए, ये गुर्दे हैं जी? जी ये गुर्दे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तिल्ली होती है? तिल्ली जी जी। ये जिगर को कहते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो कलेजी क्या होती है? वो भी तिल्ली होती है? नहीं नहीं वो तिल्ली नहीं, वो कलेजी होती है। वो कलेजी वो क्या होती है? दिल का जिसको बोलते हैं ना। नहीं नहीं आप मज़ा नहीं आया। लो जी ये हमारा हमारा नहीं मतलब बकरे का गुर्दा आ गया, इसमें आपने कपूरा नहीं डालना? नहीं डाला जी। ठीक हो गया। जो चीज़ मकरूह है, मकरूह है, तहरीमी है, वो हम नहीं खाएंगे भाई। तो ये लहसुन अदरक का पानी है जी। ये आ गए जी गुर्दा इसके अंदर, ये जनाब टमाटर, प्याज, अदरक और मिर्चें आ गई हैं इसके अंदर, नमक आ गया, ये दम लग गया। लो जी दम लग गया है। चाचा जी एक गल है, वैसे हाथ साडा बहुत साफ है माशाल्लाह, अब मगज़ भी पाता है बिच। हाँ जी आ कीमा भी डाल दिया हाथ वाला। ये आ गया जनाब दही, अदरक और मिर्चें, दम। लो जी ये हमारे सामने आ गया है टकाटक, इनका स्पेशल जो कीमा डलवा के हमने बनवाया इसके अंदर। ये घंटा का आ रहा है, ये पहलवान बाटी गोश्त वाला, कढ़ाई गोश्त वाला, ये मैं और ये हमारा खाना। ये चेक करो उमर भाई के साथ आने का ना ये फ़ायदा होता है, उमर भाई का हर चीज़ का गुर पता होता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इन्होंने ऊपर दही डलवा दिया था हलवापुड़ी के ऊपर और वो क्या कमाल चीज़ बनी थी। इस दफ़ा इन्होंने रोटी के ऊपर फ्राई करवा लिया और रोटी का बर्गर बनवा दिया इन्होंने, अंदर कीमा रखवा आगे। ये आर्ट आपके पास ही है भाई। ये यार रोटी फुल मसाले वाली है, यहाँ खाली रोटी में बड़ा कमाल का फ्लेवर होगा। एनीवे इसको ट्राई करते हैं यहाँ से। अगर आप कीमा ज़्यादा करवा रहे हैं ना इसके अंदर तो गुर्दे का फ्लेवर नहीं आएगा। गुर्दे का फ्लेवर बहुत माइल्ड होता है और बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है उसका, आयरन टाइप का फ्लेवर आता है, जैसे आयरन नहीं होता मतलब उस तरह का डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। और साथ मगज़, मगज़ का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए कीमा थोड़ा सा डलवाना आपने। ये इसकी ट्राई करते हैं, पहले इसकी सिंपल बाइट है, बाद में इसकी ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे छोला इसमें लगवा लगा। बहुत कमाल का यार। सबसे मज़े की बात में ये है, रोटी के ऊपर डला हुआ है मतलब कि ये ड्राई है। बहुत सारी जगहों से ऐसा मिलता है वो बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी होती है, चाहे वो मक्खन में बनाए, चाहे घी में बनाए, चाहे देसी घी में बनाए, लेकिन वो ग्रेवी सालन बन चुका होता है। ये खड़ा कीमा जैसा, खड़ा कीमा होता है ना, खड़े कीमे की तरह, और कीमे कीमे वाले ही वाइब्स आ रही है, कीमे का ही टेक्सचर है इसका, इसलिए हर चीज़ का फ्लेवर अलग अलग इसके अंदर आ रहा है। सारा जो कमाल ना काली मिर्च का इसके अंदर यार, बहुत ज़्यादा चीज़ है ये। और रोटी जो ना, रोटी के अंदर भी फ्लेवर जा चुका हुआ है, बहुत एक कमाल किस्म की बाइट बन रही है इसमें, बहुत ज़्यादा यार। हाथ वाले कीमे का ना फ्लेवर अलग होता है, मशीन वाले कीमे का फ्लेवर अलग होता है। अगर आपने गोश्त का सही फ्लेवर लेना है कीमे के अंदर तो हाथ वाला बनवाएं, लेकिन बनवाएं इस तरह से कि उसमें चिचड़े जरा ऐड हो, जो चर्बी और चिचड़े ऐड हो जाते हैं ना उसके अंदर, उसकी वजह से कीमा ख़राब हो जाता है। बहुत सफाई करवा के, गोश्त अच्छा साफ करवा के हाथ से कीमा बनवाएं, उसको खाएं,
अगर सही कीमे का मज़ा लेना तो बहुत अलग चीज़ें आ रही है। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ टकाटक फ्रॉम पहलवान। यहाँ से आएगी जी रोटी, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा सालन, ये हमारा सालन आ गया। इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा प्याज, ये इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा लीमू, ऐसे थोड़ा सा आ जाएगा इसके ऊपर दही वाला रायता जो शादी उन्होंने दिया। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ पहलवान कढ़ाई गोश्त वाले का टकाटक मटन कीमे के साथ। फैसलाबाद के लीमू में कुछ है, लीमू डाल के ना चीज़ ही अलग हो जाती है। पूरी बाइट में सबसे ज़्यादा मज़ा कराया ना वो दही ने करवाया, दही बहुत कमाल है यार इनका। अगर आप यहाँ पे आते हैं कढ़ाई गोश्त आपने ट्राई किया होगा, ये अगर आपने नहीं ट्राई किया ना भाई एंड है, और टोटल क्रेडिट गोज़ टू उमर भाई। भाई आप, मैं आपको ना पहले भी मानता था, मैं आपको आज बिल्कुल मान गया हूँ भैया। नेक्स्ट लेवल फूडी होता है बंदा वो भाई, ऐसे चीज़ें खेल खेल के फ्लेवर निकाल दे चीज़ों में से भाई। लो ये रोटी वाला आइडिया बड़ा कमाल है यार आपका। अब वो जो नीचे वाली रोटी है ना यार, वो ऊपर वाली जो रोटी है ना, ये देखो जो ऊपर वाली रोटी है ना, इसमें तो हल्का सा टच था, लेकिन सारा सालन इस टाइम ऊपर नीचे वाली रोटी के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो नीचे वाली रोटी के अंदर फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही अखीर होगा यार। यार ये जो नीचे वाली रोटी थी ना, मैं आपको कह रहा था ना नीचे वाली रोटी में सही फ्लेवर होगा, ये नीचे वाली रोटी है, चेक करो ये यहाँ पे सारा फ्लेवर है भाई। ये ओ थोड़ा सा घी जाता है, लेकिन क्या फ्लेवर है यार। अगर आपने यहाँ पे खाना ना नीचे रोटी के ऊपर रखे, नीचे रोटी पे कीमा खा के फिर आपने खाना है, और अगर आपने पैक करवाना है नीचे रोटियाँ रख के ऊपर कीमा लगा के फिर पैक करवाना। यार कमाल किस्म का जो है ना ये टकाटक था, बहुत कमाल। एक चीज़ इसमें ये होगी कि इसमें कीमा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, कीमा ज़्यादा होने की वजह से गुर्दे का फ्लेवर थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन भाई बहुत कमाल चीज़ है। काली मिर्च ने जो तड़का लगाया ना ऊपर वो, और जो रोटी थी चौपड़ी गई है पूरी घी के साथ, उसका फ्लेवर बहुत अलग था। चल इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड के ऊपर कराची में। बंस रोड बहुत फेमस है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ गूगल पे लोकेशन डालनी है और बंस रोड आपको मिल जाएगा, आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बंस रोड पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शन नज़र आते हैं। जैसे आप बंस रोड पे चढ़ते हैं, और अगर आप आते हैं फ्रेस्को वाली साइड से, मुझे एग्जैक्ट साइड का नहीं पता कहाँ से जाते हैं, ये फ्रेस्को सामने है। फ्रेस्को से जब आप बंस रोड पे आएंगे तो आपके लेफ्ट पे दूसरी या तीसरी शॉप है जो कैफे लजीज़ है, वही मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, इनके पास हम जा रहे हैं फिर। हमारा उसके अलावा चरगाया। अच्छा हमारा कटाकट जो स्पेशल है ना, वो हमारा बनता है कढ़ाई में। अच्छा अमूमन लोग बनाते तवे पर, हमारा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई में। और माशाल्लाह 70-71 से हमारे दादा चलाते हुए आ रहे हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा सबसे मशहूर जो आइटम है, फेमस जो आइटम है, वो कटाकट है। चरगा भी अल्हम्दुलिल्लाह आइटम तो काफ़ी है, चिकन कढ़ाई भी है, मटन कढ़ाई भी है, सब्जी भी है, ड्रेन मसाला भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आइटम तो सारे। ज़्यादा नाम जो आपका चला था वो आपका कटाकट जी अल्हम्दुलिल्लाह। कटाकट में आप क्या क्या डालते हैं उसके अंदर? कटाकट में दिल गुर्दा मगज होता है। अच्छा दिल गुर्दा मगज चाँ पे भी ऑप्शन पे होती है, कपूरे तो नहीं डालते? कपूरे ऑप्शन पे होते हैं, जो लोग डलवाना चाहें तो डलवाएं, वरना अमूमन खुद से नहीं डालते। तो उसकी क्या प्राइस क्या है एक प्लेट की? एक प्लेट सिंगल प्लेट बनती है 1400 रुपए की, डबल 2800 रुपए की। सिंगल प्लेट में तीन गुर्दा एक दिल एक मगज होता है। अच्छा सही है सही है। तो आपके ये रेस्टोरेंट कितने बजे खुलता है? रेस्टोरेंट मगरिब के बाद से काम स्टार्ट होता है, और रात जब तक कराची जाग रहा है तब तक काम चलता है। तकरीबन 1:30-2 बजे तक, बस 2 बजे तक इनफ। सैटरडे को होता है तकरीबन 2:30 तक। अच्छा सही है ठीक है। तो अभी हम आप हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपसे क्या ट्राई करें? अभी आप कटाकट भी खाएं और चरगा भी खाएं, दोनों खा लें, दोनों खाएं, दोनों खा लें। मेरी माशा तारी साहब आना है या खुद ही काम कर रहे होते हैं माशा। एक प्लेट जो बनती है शादी सिंगल या डबल? सिंगल। ये दो गुर्दे आएंगे, तीन गुर्दे कपूरे डालू? नहीं कपूरे नहीं, ये होगी एक सिंगल। चले बस सही है यार, ये पैकिंग को आने का। अच्छा यार यहाँ का जो टकाटक ना, इसमें दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि इसमें ना ये तवे पे इसको बनाते नहीं है, ये ऑलरेडी कीमा करके, इस तरह गुजरा वाला में मैंने देखा था, गुजरा वाला में एक जगह पे वैसे ही बनाते थे वो, पहले ना उसको पहले पूरा कीमा करके उसके बाद उसको तवे पे से फ्राई करते थे। इनका सिस्टम ये है कि एक तो
पहले से कीमा कर लेते हैं, उस पर जितनी भी चीज़ें ना उनको पानी डाल के ना अंदर दम लगाते हैं। अच्छी दम लगाने के बाद बस फिर वो हिलाते रहते पानी खुशक करना होता है इन्होंने, तो दम के दौरान और पानी खुशक करने के दौरान वो पकाई हो जाती है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप का टकाटक है, वो भी ट्राई करते हैं इनसे। अच्छा यार, हमने जो ना यहाँ पे ऑर्डर किया, एक हमने सिंपल जो है सिंगल हमने मगज टकाटक मंगवाया, यहाँ पे जो इनका सिंगल टकाटक है वो मंगवाया, और एक हमने हाफ चरगा मंगवाया। ये चरगा इनका, इसके ऊपर जो इन्होंने मसाला डाला हुआ ना यार, बहुत चटपटा मसाला भाई है। जो टकाटक बना ना ये बहुत डिफरेंट और बहुत लजीज लग रहा है। तो अभी जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, पहले टकाटक ट्राई कर। यार मैं टकाटक बोल रहा हूँ, मैं आई एम इन कराची, तो आई हैव टू से कटाकट, थोड़ा सा माफ़ कर देना। चलता है ये जो रोटी है ना, बिल्कुल ये देखो रुमाली रोटी इन्होंने हमें साथ दी है। तो ये रोटी तो मतलब ऐसे दो तीन लेयर्स वाली इसकी बाइट बनानी पड़ेगी। यहाँ से रोटी लेते हैं और साथ में जो है थोड़ा सा यहाँ से कटाकट, ये कटाकट। ओह यार बड़ा मज़े का लग रहा है भाई। शायद किसी को मेरी वीडियो में लगा होगा मैंने कपूरों को प्रमोट किया, भाई मैं कपूरों को प्रमोट नहीं करता। कपूरे जो है मकरूह तहरीन में होते हैं, तो कपूरे अगर आप कोशिश करें अवॉइड ही कर लें। कपूरों के बगैर भी कटाकट खाया जाता है यार, बड़ा मज़े का होता है। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। बहुत मज़ेगा, ये बहुत डिफरेंट है यार, बड़ा ना क्रीमी सा, बटरी सा। एक सालन बना होता है ना वैसे बना भाई। इसका टेक्सचर देखो ना, ये इसमें खड़े ज़्यादा चीज़ें ना बिल्कुल बटर नहीं बना हुआ, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना हुआ इसका, खड़े चीज़ें मौजूद, जो दिल है, जो गुर्दा है, खड़ा मौजूद है इसके अंदर। और मगज़ जो है ना बस गुला हुआ है इसके अंदर। इसके ऊपर कोई दही कोई रहता कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल इट्स आर भी बहुत कमाल है। और ये मज़े की बात है कि मक्खन में बना हुआ है, मैं जब यहाँ पे आया था ना तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, कहता यार आप ऑनर से बंदा आके कह रहा था यहाँ पे कि भाई आपको क्या ज़रूरत है प्रमोशन करने की, क्यों वीडियो बनवा रहे हो। तो फिर मैंने कहा भाई कि मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, इनको ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत है इस तरह का खाना खाने की और इस जायके को टेस्ट करने की। अभी हम आ गए हैं नूरानी कबाब हाउस पे। ये अल्लाह वाली चुरंगी से जब आप जाएंगे काजीजम के मज़ार की तरफ, तो पहला सिग्नल जो आएगा अल्लाह वाली चुरंगी के बाद, वहाँ से आप राइट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे तो ये नूरानी कबाब हाउस है। ये मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा है। इनके पास भाई बारबेक्यू चल रहा है, कटाकट चल रहा है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो सारे सीन यहाँ पे जाके चेक करते हैं। और हम इनसे कटाकट ही क्यों ट्राई करने आए हैं, कराची में कटाकट को शुरू करने वाले ये लोग हैं, बहुत पुराने, बहुत फेमस। अच्छा, इनसे कटाकट ट्राई करते हैं भाई। ये बारबेक्यू चल रहा है इधर, यहाँ पे सारा बारबेक्यू चल रहा है। ऑनर जो है वो साइड पे बैठे हुए हैं, तस्वीर नहीं बनवा रहे, लेकिन वो ये बता रहे हैं 1970 से सेटअप यहाँ पे मौजूद है। इनके दादा ने शुरू किया था, दादा का नाम नूरानी था, उनके नाम पे नूरानी कबाब हाउस है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ये चिकन टिक्का है? चिकन टिक्का है, वाह जी वाह। चिकन बोटी है ये क्या चीज़ है? ये बीफ टिक्का, बीफ बिहारी है। ओ यार आई लव दिस यार, मुझे बहुत पसंद है ये। ये क्या चीज़ है? बटेर है? वाह, इसमें कपूरे हैं, मगज है, चाप है, और गुर्दे दिल सब कुछ है। क्या क्या होता है यहाँ पे आपके पास? हाँ सब कुछ होता है। ये क्या भाई? ये कटाकट है। ये तैयार हुआ है? अच्छा, ये मक्खन ना बना रहे हैं आप? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। आपका नाम क्या है? नाम मैंने पहले बता चुका हूं। अब फिर बता दो ना, मैं भूल गया। मैं भूल गया, मेरा दिमाग कमजोर है थोड़ा। हमारा नाम शाजी है। शाजी, शाजी मुझे ये बताएं, अगर खाली मगज बनवाना हो, खाली मगज और गुड्डा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जी ये हमारे सामने आ गया है नूरानी का कटाकट। ये से करो, ये पूरा प्याला है, प्याला टाइप पूरा बाउल है। अगर मैं इसको आपको इसलिए उठा के दिखा रहा था कि आपको इसकी डेप्थ से अंदाजा हो जाए कि ये नीचे काफ़ी ज़्यादा है, खाली प्लेट की साइज़ के ऊपर नहीं जाना, ये नीचे भी बहुत ज़्यादा है। ये सिंगल सर्विंग है 1070 रुपये की बटर के साथ। अगर आप इसको घी में लेते हैं सिंपल, तो ये 950 रुपये का। इसमें कोई इसकी ऑप्टिमम बाइट, क्योंकि चटनी वगैरह साथ कोई है नहीं, हमने ली नहीं क्योंकि इसके साथ ही अलग से लेनी पड़ती, इसलिए हमने वो नहीं लिया। अभी इसको ट्राई करते हैं। इसमें सिर्फ जो है ना मगज़ है और गुर्दा है, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डलवाई इसके अंदर। बिस्मिल्लाह वाला बरकत।
यार बहुत गला, बहुत कमाल का यार माशाल्लाह। मुझे लग रहा था ये महंगा है, लेकिन जिस तरह का इसका टेस्ट है ना यार, बाकी मगज़ का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मसाले इन्होंने इसके अंदर यूज़ किए हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी वजह से ना मगज़ का टेस्ट डेड हो रहा है और ना मगज़ के फ्लेवर की वजह से मसालों का टेस्ट डेड हो रहा है। दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि बहुत कमाल किस्म का फ्यूजन बन रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है इसका। ज़्यादा जो मज़ा कर रहा है इसकी खटास है, जो शायद 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 दही की वजह से है। बहुत ज़्यादा चीज़ है यार, एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप दो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, दो या तीन बंदे भी आ रहे हैं ना, तो एक बाउल एक सिंगल सर्विंग आपके लिए काफ़ी होगी इंशाल्लाह। हो गया यार, बहुत कमाल की वीडियोज़ हैं। बहुत कमाल का फूड है कराची का, और ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हमने खाई हैं, जाहिर की निहारी है, ये कटाकट है, दोरा जी का गोला है, और खाउसे यार अमेजिंग। कराची का फूड इज़ वे बियॉन्ड देन एनीवेयर एल्स। लेकिन लोर लोरे भाई, कराची यार, कराची वे वे अहेड ऑफ अभी तक ऑल द सिटीज। मज़ा आ रहा है वो यार, ऐसा वैसा मज़ा आ रहा है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछने वाली बात है यार। मेरी बात सबसे अच्छी है कि आपको मज़ा आ रहा है कराची आने के, पैसे पूरे हो रहे हैं। वो हाँ, पैसे पूरे हो रहे हैं, बस ये वैसे पैसे वसूल होने चाहिए। देखो मेरा भाई बड़ा खर्चा हो गया भाई, थोड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं इसको कैसे, आप बताओ एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दें। पता चला है कि जितनी मेहनत इस पीछे होती है ना, इसको वाकई सब्सक्राइब करना बनता है। सब्सक्राइब खुद नहीं करना, लोगों से भी करवाने, अपने घर वालों से भी करवाने, सब लोगों से करवाना है। जितने लोगों से करवाने हैं उतना कम है, सब्सक्राइब करें फौरन जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी नहीं लग रही तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करना है। ये सही है ना, सब्सक्राइब करना ही करना है। चैनल पसंद आ रहा है आपको, मैं अच्छा लगता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको मैं बिल्कुल जहर लगता हूँ तो वीडियो को शेयर कर दें। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। दिस इज माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना नहीं भूलना। आपसे गपशप होती है, मैं लाइव जाता हूँ। अली जवेद भाई को मैं मिला हूँ इंस्टाग्राम पे, आपको भी मिलूंगा इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे।